जी, तो कल हम लोगों ने ये असाइनमेंट लिया था, इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। कल असाइनमेंट ग्रुप में हमने ये लिया था कि जब हम शून्य की ओर ध्यान देते हैं तो हमें दो इकाइयों के बीच में दूरी दिखाई देती है, और ध्यान से देखते हैं तो दो इकाइयों के बीच में परस्परता दिखाई देती है, और ध्यान से देखते हैं तो उनके बीच में संबंध दिखाई देता है, फिर इकाइयों की स्वयं में व्यवस्था भी दिखाई देती है, और फिर ये भी दिखाई देता है कि किस प्रकार हर इकाई शून्य में संपृक्त है। भैया, कल मैं ऑब्जर्व कर रहा था, सोचा लेटे लेटे ऑब्जर्व करूंगा, तो और एक थोड़ा सा शेयरिंग था और उसमें एक प्रश्न भी बन रहा था, तो आपके सामने से ये रखने का रखता हूँ। उस पे एक डाउट है तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जी भैया, ऐसा था कि सोचा मैंने कि लेटे लेटे शेयरिंग वो ऑब्जर्व करूंगा, तो भैया मैंने जमीन पर लेट गया, जहाँ गाय बंधी थी उसी के आसपास। तो सोचा वहाँ थोड़ी सी दूर पे झाड़ी भी थी, तो मैं सोचा कि मान लो लेटा हूँ, सांप भी ना आ जाए, तो देखता हूँ क्या होता है, कल्पनाशीलता में क्या चलता है, कितनी देर मेरे ऊपर चलता है, मैं देख पाता हूँ कितनी देर शरीर से संबंधित करता हूँ। तो थोड़ी देर में नींद आ गई, तो ऑब्जर्व कर रहा था भैया, लेकिन एक एक ऐसा हुआ थोड़ी देर बाद कि मैं संकेत तो दे रहा हूँ, मतलब ऐसा हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ भैया कि ब्लड का सर्कुलेशन भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, और ऐसा कुछ हुआ बहुत तेज गति से, लगभग 2-3 सेकंड तक, और मैं शरीर को उठाने का प्रयास कर रहा था कि मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि बगल में सांप है कि क्या है, कोई जानवर है, और मैं शरीर को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो संकेत मैं ले नहीं मतलब दे नहीं पा रहा था बॉडी को ठीक तरीके से। लेकिन लगभग ये स्थिति 2-3 सेकंड तक या फिर 5 सेकंड मैं बोल सकता हूँ ऐसी रही होगी। उसके बाद फिर बॉडी को मैंने संकेत दिया तो फिर उठ गया वो। फिर मैंने देखा कि शरीर में थोड़ा सा पसीना भी था, और फिर मैं वहां से उठ के चला आया। तो भैया, इसमें मैं ये प्रश्न ये बन रहा है कि ऐसा क्या मतलब डर की वजह से हुआ था कि क्या था उसमें कि मैं नहीं रहा, और मतलब मैं प्योर तरीके से अपने आप को ही सिर्फ और सिर्फ देख रहा था, और जितना संकेत आ रहा था बॉडी से, जैसे हर एक पार्ट से आ रहा है, एक तीव्र गति से, जैसे कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन ही था वो, ऐसा एक ये प्रश्न लगा जी। जी, उस समय आप नींद में थे या मतलब बस लेटे हुए थे, हल्की नींद में थे, कुछ ऐसा भैया, मैं क्या लगता? हल्की नींद में था, और पूरा मैं देख रहा था कि हो क्या, मतलब ये पूरा संकेत बॉडी से संकेत तो पढ़ रहा था कि एक एक तीव्र गति से सेंसेशन को मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बॉडी को संकेत दे रहा हूँ लेकिन वो काम नहीं कर रहा है उस समय। जी, तो ये हो सकता है। इनफैक्ट एग्जैक्टली क्या घटना हुई वो तो आप ही स्वयं में ठीक ठीक निर्णय कर पाएंगे, परंतु ये हो बिल्कुल सकता है। एक से तो ये होती है कि जैसे शरीर जो है वो किसी मूर्छित स्थिति में है, तो जो संकेत देते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करने में समय लगता है, तो जैसे अर्ध निद्रा की स्थिति है या कुछ ऐसा, है ना, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि स्वयं पे इस तरह से ध्यान बन गया है कि शरीर से हमने अपने आप को लगभग विथड्रॉ कर लिया है। ये भी एक स्थिति है जिसमें शरीर किसी अंग को जब उठाने जाते हैं और हम वहां पे नहीं है तो भी स्थिति बन सकती है। उस अंग को उठाने में या चलाने में हमें समय लग सकता है या नहीं हो पाता है उस समय। ये सब पॉसिबिलिटीज तो हैं, या फिर आपके खुद में भी ऐसा हो सकता है कि निर्णय पूरा नहीं हुआ, तो आप शरीर के साथ पूरे शरीर में फैले हुए हैं, बने हुए हैं, बट निर्णय पूरा नहीं हुआ। तो अब ये तो आपको ही देखना होगा एग्जैक्टली कि स्वयं में क्या चल रहा था। जी भैया, भैया मैंने सोचा कि ठीक ठीक उसको ऑब्जर्व कर लूं, लेकिन वो उस समय इतनी जद्दोजहद थी कि मैं मजबूरन शरीर को संकेत दे रहा था, शरीर से संवेदना को पढ़ रहा था, और कल्पनाशीलता की ठीक ठीक प्योर मतलब वो ऐसा मैं ऑब्जर्व आज तक नहीं कर पाया, और ठीक ठीक मैं कल्पनाशीलता को भी देख रहा हूँ और संकेत भी दे रहा हूँ,
लेकिन वो संकेत शरीर पहले नहीं रहा है, लेकिन लगभग 5 सेकंड बाद फिर मैंने बॉडी में मूवमेंट होना चालू हो गया, फिर वो जो संवेदना आ रही थी मतलब तीव्र गति से पूरे शरीर से, तो वो शिथिल भी पड़ गई और ऑब्जर्वेशन जो भी चल रहा था वो भी उतनी सटीकता से नहीं हो पाया। हाँ, तो अभी हम जिस प्रकार से शरीर से जुड़े हुए हैं अपने आप को शरीर मानकर, वह जब जी भाव जी कम होता है या मतलब भाव या तो परिवर्तित होता है, अपने आप को शरीर नहीं मान रहे, तो स्थिति में शरीर का जिस प्रकार से भी संचालन कर रहे हैं वो बदल जाता है, ये घटना तो होती है। तो अभी जिस तरह से हम शरीर में शरीर को जकड़े हुए हैं, जिस तरह से शरीर के साथ बने हुए हैं, है ना, अपने आप को शरीर मानकर, उसमें जब परिवर्तन आता है तो जो हम संकेत दे रहे होते हैं वो किस तरह शरीर उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, उसमें भी एक टाइम लैग दिखाई दे सकता है, तो क्वाइट पॉसिबल है। बट इस तरह की घटनाओं को मैं अपनी तरफ से बहुत ऑथेंटिक रूप से नहीं कहूंगा, क्योंकि घटना आपके साथ हुई है। नियम के बारे में तो बहुत ठीक से कहा जा सकता है, बट घटना आपके साथ, इसलिए मैंने पॉसिबिलिटीज बताया। एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि हम अपने आप को पूरे शरीर में भी फैला कर रखे हुए, हम शरीर में समेट लेते हैं अपने आप को, स्वयं पे इतना ध्यान देते हैं। उस तरह भी किसी अंग पे जब हम कोई गति करना चाहते हैं तो अंग में उतने ही कम समय में या उतनी तेज गति से गति नहीं होती, ये क्वाइट पॉसिबल है। तो अभी जिस तरह से हम शरीर में फैले हुए हैं, अगर उस फैलाव को कम कर लिया जाए तो ये परिवर्तन हो सकता है। देखो कि हमने अपने को शरीर माना हुआ है तो तत्क्षण हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं किसी भय के कारण, किसी, है ना, अपने आप में ही किसी मान्यता कारण। दूसरा है कि ये अगर नहीं है तो एक टाइम लैग हो सकता है। दूसरी बात कही कि अगर शरीर फैले हुए नहीं है तो भी ये टाइम लैग हो सकता है। उसको और ऑब्जर्व करिए, अपने आप में ऑब्जर्व करिए तो और क्लैरिटी बनेगी। जी भैया ठीक है, कुछ इनपुट मिला है तो उससे मैं ऑब्जर्व करके देखता हूँ। जी भैया जी, दूसरे से भाव पाकर जो खुशी होते हैं वो अभ्यास इतना गहरा हो गया कि उससे छुटकारा पाना कैसे, और 1 से 10 स्टेप जो है अपने अभ्यास 1 के वो तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन और उससे उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उससे दूसरों से भाव पाने उससे कैसे उभरना। प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। दूसरे से भाव पाकर सुखी होने पर डिपेंडेंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रश्न क्या बना इसमें? प्रश्न है कि इससे उभरना कैसे। ऐसे ही अभ्यास 1 और 2 जो कर रहे हैं, सुबह का जो हम लोग सत्र कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम वही करते हैं जिसमें हमको सुख लगता है। तो दूसरे से भाव पाकर कुछ सुखी हो जाएंगे, ये अगर हमारे अंदर विचार बना हुआ है, निर्णय बना हुआ है, इसके लिए काम करते हैं, नहीं तो फिर हम स्वयं में सुख के स्रोत को विकसित करते हैं। स्वयं में जो सुख का स्रोत है वो स्वयं में सही समझ सही भाव सुनिश्चित करना है। तो जब तक ये स्वयं में सुख का स्रोत सुनिश्चित नहीं होता तब तक दूसरे से कुछ पाकर सुखी होने का प्रयास चलता रहता है, चाहे शरीर से संवेदना मिल जाए या दूसरे का ध्यान सम्मान मिल जाए, वो प्रयास चलता रहता है। तो इसलिए जो करने का काम है कि स्वयं में सुख के स्रोत को हम विकसित करें, वो तो अभी आपको दिखाई भी देगा कि जितना जितना ये स्वयं में सुख का स्रोत दिखने लगता है उतना ये जो भगदड़ है बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का वो कम होने लगता है। पहले से तो बेहतर है लेकिन अभी भी उससे कुछ कुछ समय पर डिपेंडेंट है पता चलता है, इसलिए देखिए अभी वो लंबा चलेगा डिपेंडेंस। क्या है, अभी चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना, कंटेम्पलेशन अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन को एक्टिवेट करना, मतलब ये कोई डे टू डे का काम तो नहीं है, तो इसमें तो समय लगता है। और जब तक ये ना हो जाए तब तक सुखी होने के लिए हम बाहर तो देखेंगे, तो आप इस बात को देख सकते हैं अपने आप में कि इसमें भी समय लगेगा। मुख्य मुद्दा तो अपने आप में हायर लेवल एक्टिविटी को डेवलप करने का है, और अभी उसमें देखेंगे तो हो सकता है बहुत थोड़ा काम हुआ है। अभी तो इमेजिनेशन में ही डिसाइड करने में समय लग रहा है, ये करने योग्य है कि नहीं, अपनी शरीर यात्रा इसलिए लगाएं कि न लगाएं, है ना। अभी तो हम इस पॉइंट पे भी खड़े रहते हैं कि क्या मुझे अपनी शरीर यात्रा को इन्हीं सब चीजों में लगाना है, ज्ञान के लिए, समाधान के लिए, या और कुछ जो जरूरी काम है उनको पूरा करना है। तभी तो हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं होती, तो जब तक प्रायोरिटी नहीं सेट हुआ तो कल्पनाशीलता में भी निश्चय नहीं हुआ है। कल्पनाशीलता में भी नहीं हुआ है तो फिर ऊपर का काम तो होगा भी नहीं।
तो आप तो ये अपने आप में स्वीकार सकते हैं कि इसमें भी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि कम से कम पहले ये तो हमको निश्चय हो जाए, ये तो निर्णय हो जाए कि शरीर यात्रा को ज्ञान के अर्थ में लगाना है। ये प्रायोरिटी तो सेट के है, लेकिन हर समय प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान और उसके लिए प्रेफरेंस देना वो अभी नहीं। वही वही प्रायोरिटी सेट होने का मतलब कि सेट फॉरएवर, जी वो तो एक विचार है कि अभी ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है, कभी कुछ और इम्पोर्टेंट लग रहा है। एक बार हमारे अंदर प्रायोरिटी सेट होती है, फिर हमारा डिपेंडेंस बाहर से किसी कार्यक्रम के लिए भी खत्म हो जाता है। अभी तो बाहर एक कार्यक्रम चल रहा है, अनुकूलता बनी हुई है, इतना सारा प्रोग्राम चल रहा है, वर्कशॉप चल रहे हैं, तो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, है ना। बट जब प्रायोरिटी बनती है तो फिर हम कार्यक्रम के आधार बन जाते हैं, ना कि हम कार्यक्रम से खाली बेनिफिटेड होते हैं। तो कल को ये कार्यक्रम प्रभावित भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट यदि हमारी प्रायोरिटी बन गई है तो हमारा हिलना डुलना नहीं होगा, हम तो अपने आप को लगाए रखेंगे और उसमें दूसरों को भी हम पहुंचा पाएंगे अपनी बात को। तो प्रायोरिटी तो आगे की चीज है थोड़ी, अभी तो टेम्पररीली हम कुछ डिसाइड करते हैं, हमको कभी ये बात अच्छी लगती है, कभी वो बात अच्छी लगती है। जी, तो कल ये असाइनमेंट हम लोग लिया था, उसको लेकर कुछ संवाद हुआ। तो एक तो हम शून्य की ओर ध्यान देना शुरू करें, इससे ये भी होता है कि भले ही हमारी तैयारी अभी कम है, बट एक बार ध्यान देना शुरू करते हैं तो कुछ क्षणों में हो सकता है कि हमारी प्रायोरिटी बन जाती है देखने की और हमें कुछ दिखने लगता है। एक बार उसका दिखना शुरू हो जाए किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पर, तो उसके अनर्गल जो कुछ हमारे अंदर मान्यता बनी हुई है वो ड्रॉप होने लगता है। तो इसको देखना शुरू करें, है ना। अभी तो हम दो इकाई की दूरी तो देखते हैं, बट उतने में देख के रुक जाते हैं। जो गुण परिवर्तन हो रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है इकाई में, वो तो देखते हैं, बट परस्परता में जो प्रभाव है उसको नहीं देखते हैं। उसको देखना शुरू करेंगे, फिर संबंध को देखना शुरू करेंगे, तो संबंध है और संबंध के आधार को भी देखेंगे, व्यवस्था के आधार को भी देखेंगे। तो ये भी हमको लगे कि मेरे जीने का एक इम्पोर्टेंट काम ये भी है, शून्य को देखना। अभी ये हमारे टू डू लिस्ट में कहीं आता ही नहीं है। अगर हम अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाए, क्या क्या करना है मुझे दिन भर में, जीवन भर में, तो बहुत सारी चीजें हमने लिखी होंगी, है ना, ये मुझे करना है दिन भर में, आज ये करना है, हफ्ते भर में ये करना है, महीने भर में ये करना है, शरीर यात्रा में ये काम करके ही जाना है, उसमें भी कहीं आता नहीं है। बट इसको जोड़ने हम लोग तो शून्य को देखना है कि नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। बढ़िया, फिर ये भी हम देखें कि मैं और शरीर क्या दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं या एक ही है, और अलग अलग हैं तो किस प्रकार है, उनका सह अस्तित्व किस प्रकार है, क्या उनके बीच में दूरी है। ये हमने अभ्यास दो में किया था, और मैं भी शून्य में हूँ, शरीर भी शून्य में है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये भी शून्य के माध्यम से हो रहा है। फिर ये भी देखें कि मैं शून्य में हूँ, शून्य हर जगह व्याप्त है, शून्य हर जगह व्याप्त है, मैं शून्य में बना हुआ हूँ। तो जब भी अवसर मिले बैठ जाएं, देखें इसको, है ना, देखते देखते ही तैयारी हो जाती है उसकी देखने की। आप खुद में ही बहुत सारा विचार करते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, कोई और काम नहीं है क्या, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, शून्य को बैठ के देख रहा हूँ, है ना, इससे क्या मिलने वाला है, इससे क्या उपलब्धि होने वाली है, इम्पोर्टेंट काम जो है छूट जाएंगे, टाइम इम्पोर्टेंट काम के लिए तो है नहीं, ये कहाँ समय लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे विचार उठेंगे, उनको भी ऑब्जर्व कर लें, है ना। तो ये जो बहुत सारी चीजें जो कही गई अभी सहस्तित्व को लेकर, इस अस्तित्व नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है, इनका अर्थ रिफ्लेक्ट करेगा आपने, इकाइयां शून्य में संपृक्त हैं, इसका अर्थ रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको अपने जीने से जोड़कर देख पाएंगे कि नहीं। तो हमारे दिन में बहुत सारे काम रहते हैं, प्रायोरिटीज रहती हैं, और वो हमारा पूरा विचार उनमें ही घूमता रहता है, बट उसका जो अंडरलाइंग हमारी जो प्रायोरिटी है लाइफ की, हम बेसिकली ये सब कुछ कर रहे हैं सुखी होने के लिए, और वो भी कभी कभी नहीं, हर क्षण सुखी होने के लिए, और हर क्षण का सुख तो यहीं से सुनिश्चित होगा कि नहीं। तो ये हमको दिखने लगता है,
हमको मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीद लाना है, हमको बच्चे की फीस भरनी है, हमको घर के लिए कुछ व्यवस्था करनी है, घर में कोई मरम्मत कराना है, किसी से मिलने जाना है ना, ऑफिस का कुछ काम है, कोई फाइल कंप्लीट करना है, अब ये ढेर सारे हमारे पास काम है। बट अभी हम उसको और एनालाइज करें कि सारे काम मैं क्यों कर रहा हूँ, जो भी उत्तर मिलता है फिर उसके पीछे पूछिए कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों अपने आप में हम पूछते जाएं, किसी पॉइंट पे फिर हमको रिफ्लेक्ट करने लगता है कि ये सारे काम तृप्ति पूर्वक तभी होंगे जब ये काम होगा, अस्तित्व को देखने का काम होगा, नहीं तो ये सब काम तो करते ही रहे, है ना, बचपन से हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहे, करके कभी दुखी हुए कभी सुखी हुए, आश्वस्ति कभी नहीं हो पाई कि यही निरंतर सुख का स्रोत है। तो निरंतर सुख का स्रोत क्या होगा, उसको अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे, इसको भी हम अपने कामों की सूची में लिख लेंगे कि ये भी देखने काम है। तो अभ्यास एक में भाव को देखने का निर्णय लिया, अभ्यास दो में शरीर के साथ जो सूचना का दान प्रदान हो रहा है उसको देखने का निर्णय लिया, अब हम लोग शून्य को देखने का भी निर्णय लेंगे, किसको भी देखना है। अभ्यास दो का जो स्टेप 7 है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो अभ्यास दो में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे थे, अर्थात चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे थे। तो स्टेप 1 में हमने मैं और शरीर इन दो अलग अलग वास्तविकताओं को देखने का अभ्यास किया। स्टेप 2 में जो मेरे और शरीर के बीच में आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया। स्टेप 3 में हमने ये देखा कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है वो मेरा निर्णय है, तो शरीर का है ना किसी बाहरी वस्तु का। स्टेप 4 में हमने मैं और शरीर के बीच की दूरी को देखने का अभ्यास किया, उसको संवेदना के साथ जो दूरी है वहां से शुरू किया था, फिर उसको इस बात पे फोकस किया कि मैं और शरीर ना इनके बीच में भी दूरी बनी हुई है, मैं दूर रहते हुए शरीर से संवेदना को पढ़ता हूँ। तो स्टेप 5 में हमने देखा कि किस तरह से जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वो तय होते हैं, उसका आधार क्या है, यदि मान्यता आधार में है तो क्या होता है, समझ आधार में है तो क्या होता है। तो स्टेप 6 में हमने इसको और आगे बढ़ाया कि जो भी मैं अर्थ दे रहा हूँ संवेदनाओं को वो संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में हो, सही समझ सही भाव के अर्थ में हो, और इसको ही सुनिश्चित करना है, इस निर्णय को बना के रखना है, इसको हमने अभ्यास के स्टेप 6 में देखा था। जी, तो मैं हूँ, मेरा शरीर है और शरीर को मैं संवेदना के माध्यम से जानता हूँ, मेरे और शरीर के बीच केवल सूचना का आदान प्रदान होता है, मुझ में और संवेदना में दूरी है, मैं संवेदना से दूर रहते हुए शरीर के किसी भी भाग में होने वाली संवेदना को पढ़ सकता हूँ, यह आदान प्रदान सामयिक है निरंतर नहीं है, मैं आवश्यकता अनुसार इस आदान प्रदान को करता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि मेरे और शरीर के बीच में दूरी है, तो मेरा होना शरीर का होना शून्य में बने रहना, शून्य के अस्तित्व में होना। तो ये मैं अब आगे देख सकता हूँ, ये बेसिकली अभ्यास 3 की तैयारी है थोड़ी, यहाँ पर अभ्यास 2 को करते हुए। अभ्यास 1 को पहले इसलिए किया क्योंकि हम ज्यादातर से अपने भाव विचार में उलझे रहते हैं, अभ्यास 2 को इसलिए किया क्योंकि अपने आप को शरीर मानकर शरीर से संवेदना पाकर हम बहुत सारा जीने का कार्यक्रम बनाते रहते हैं। अब इन दोनों में थोड़ी स्थिरता हुई, थोड़ी समझ बनी, तो फिर शून्य पे अस्तित्व पे ध्यान दे सकते हैं, बट उसमें अभी और समय लगेगा। तो अभी इस पे एक छोटे से भाग को यहाँ रखा गया है अभ्यास 2 के स्टेप 7 में। तो मैं शून्य में हूँ, शून्य के अस्तित्व में बना हुआ हूँ, इसको हम देख सकते हैं। और इसको देखने जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे विचार उठेंगे, उसको लिखते जाएं, उसको कोई भी है ना कहें कि ये अनर्थक निरर्थक है व्यर्थ का है, उसको लिख लीजिए। जैसे मैं शून्य में हूँ, जब मैं देखने जाता हूँ तो मुझे क्या क्या विचार आते हैं, मैं क्यों देख रहा हूँ, ये देखूँ या कुछ और देखूँ, जो कुछ भी लग रहा है उसको लिख लें। तो मैं शून्य में हूँ, शून्य के अस्तित्व में बना हुआ हूँ, शरीर भी शून्य में है, शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है। तो अभी हमको ये सूचना मिली है, इसको ऑब्जर्वेशन में लाने की जरूरत है। मैं शून्य के माध्यम से शरीर के साथ सूचनाओं का दान प्रदान करता हूँ, तो जो भी मैं शरीर से सूचना का दान प्रदान कर रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ, संवेदना को पढ़ रहा हूँ, ये शून्य के माध्यम से है।
आवश्यकता अनुसार करता हूँ, निर्णय पूर्वक करता हूँ। तो मैं शून्य के माध्यम से शरीर को संकेत देता हूँ, शून्य के माध्यम से शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ता हूँ और मैं इसे सीधा सीधा देखता हूँ। मैं निर्णय पूर्वक शरीर के साथ समय समय पर निर्वाह करता हूँ। मेरा होना शरीर पे आश्रित नहीं है, संवेदनाओं पे आश्रित नहीं है, किसी बाह्य वस्तु पे आश्रित नहीं है। मेरा होना शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है। अब इतने भाग को देखें, फिर इसके आगे और चर्चा करेंगे। तो अभी ऐसा करते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, 10 मिनट का समय लगाते हैं। जी रशपाल जी कहना है शून्य नहीं है तो मैं भी नहीं है, ऐसा नहीं है, शून्य भी है और मैं भी, है ना, इसके नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं है क्योंकि है। जी तो अभी 10 मिनट का समय लगाते हैं। जरा ये पहले जो दो वाक्य हैं, मैं शून्य में हूँ और शरीर शून्य में है, इसको देखते हैं, फिर आगे और देखेंगे। 10 मिनट ऑब्जर्व करेंगे। भैया ऑब्जर्वेशन का स्लाइड लगा सकते हैं, उसके बाद जो भी प्रश्न बनता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, इस बीच में कोई प्रश्न नहीं लेंगे, ऑब्जर्व करना है। जी भैया, अभी 10 मिनट के लिए जो आपने दिया था काम, उसमें हमने ये पाया है अभी कि मैं हूँ, शरीर है, स्पेस है और शून्य है। और ये और शून्य कहाँ से हो गया, स्पेस ही तो शून्य है। अच्छा स्पेस ही शून्य है कि और क्या? नहीं, हमने पहले ऐसा माना था कि हमारी बॉडी है उसमें भी स्पेस है, अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है, और ये जिसके इर्द गिर्द चल रहा है उसे हम शून्य कर रहे हैं, जो क्रिया शून्य है। ये मेरा मानना सही नहीं है? ऐसा नहीं, शून्य को अंग्रेजी में स्पेस कहा है। अच्छा, तो मुझ में भी शून्य है, शरीर में भी शून्य है, मेरे चारों तरफ शून्य है, हर जगह शून्य है, शून्य क्रिया शून्य है, उसी को अंग्रेजी में स्पेस कह रहे हैं। अच्छा अच्छा जो आपने उस दिन बताया था, इट इज नॉट जीरो, इट इज स्पेस, बराबर है अभी ध्यान में। ठीक है ठीक है, जीरो को मैं जो कोरिलेट कर रहा था वो गलत था, ये स्पेस है। ठीक है, तो भैया अभी जो ये लग रहा है कि जो कुछ भी हमारा व्यवहार होता है सभी से जो हम करते हैं ये 10 मिनट के ऑब्जर्वेशन में, तो इसमें तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे भाव आते हैं कि जो भी आगे का जो दिखा है ना, प्रेम करुणा और क्या जो जो हमको लगता है किसी के बारे में, तो हम किसी को अच्छा भाव से कर रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रहा, तो फिर हमें उसके ऊपर दया का भाव निर्माण हो जाता है। तो बस इतना मैंने आप जाने, एक दो इंसिडेंट्स मेरे दिमाग में आए कि इसमें क्या क्या है। तो कभी कभी जो हमारी सुन लेता है उसके बारे में बहुत अच्छा प्यार आ जाता है, जो कभी समझ नहीं पाता या हम इतना अच्छा भाव से अच्छे प्रेम से उसके साथ बात कर रहे या जो भी है लेकिन वो समझ नहीं रहा, तो फिर उसके ऊपर दया आ जाती है। तो क्या भैया ये सारा मतलब शून्य के इर्द गिर्द या स्पेस के इर्द गिर्द हो रहा है या भाव के प्रति, थोड़ा सा इस पे स्पेस के इर्द गिर्द जैसा कुछ होता नहीं है, स्पेस में ही है सब कुछ। स्पेस के इर्द गिर्द कैसे हो सकता है, जो सर्वव्यापी है उसके इर्द गिर्द कैसे होगा? तो हाँ, जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है स्पेस में हो रही है, जो भी हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो विचार चल रहा है, सारा कुछ स्पेस में ही है। तो मुझ में हो रहा है और मैं स्पेस में हूँ जी। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि कोई हमारी बात सुन लेता है, समझने लगता है, उसके अनुसार जीने लगता है, तो उसके प्रति स्नेह का भाव बन जाता है, बढ़िया, बहुत प्रेम हो जाता है, बढ़िया। इसको प्रेम भी ना कहें, अभी आते हैं प्रेम पे। अच्छा अच्छा, अगर कोई ऐसा नहीं करता तो हो सकता है हमारा भाव हिलने डुलने लगता है, कभी उस पर दया भी आती है, कभी क्रोध भी आता है, अब ये सब चलने लगता है। तो हमारे अंदर अभी ऐसे भाव में उतार चढ़ाव का बना रहता है, अस्तित्व को दिखने के आधार पर हमारे अंदर सत्य प्रेम करुणा का भाव बना रहता है। सत्य का भाव मतलब कि मुझे अस्तित्व अस्तित्व के रूप में हर क्षण दिखाई दे रहा है, मुझे सत्य का ज्ञान है, मैं देखता हूँ, देख पाता हूँ अस्तित्व ऐसा ही है, तो वो मेरे अंदर दृष्टि बनी रहती है हमेशा, उसके साथ मुझे संबंध दिखाई देता है हर व्यक्ति के साथ, कोई समझ पाए तो भी, कोई नहीं समझ पाए तो भी, बराबर, बिल्कुल। उसके साथ जिम्मेदारी दिखाई देती है,
तो दया कृपा करुणा के रूप में जिम्मेदारी दिखाई देती है। दया का मतलब ये हुआ कि किसी के पास पात्रता तो है, वस्तु नहीं, यानी कोई समझना चाहता है, समझने का प्रस्ताव नहीं पहुंचा है, तो मैं उस तक प्रस्ताव पहुंचाता हूँ, उसको विश्लेषित करता हूँ, उसके सामने रखता हूँ, उसमें समाप्त, ये दया का भाव हुआ। किसी के पास वस्तु पहुंच गई है परंतु पात्रता नहीं बनी है, तो उसके अंदर भी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई है, वस्तु है सामने, तो उस पात्रता को विकसित करना कृपा का भाव है। और करुणा का मतलब कि वस्तु को ही पहुंचाना, पात्रता को विकसित करना। तो समाज में देखें तो करुणा का भाव दिखाई देता है अपने को, कि अभी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, कोई समझने के लिए प्रयासरत है, कोई समझने के लिए प्रयासरत नहीं है, किसी का संस्कार बिल्कुल विपरीत है, जी बिल्कुल, संस्कार उसके अनुकूल है, बट मेरा भाव सबके प्रति जिम्मेदारी का बना हुआ है, इसको करुणा का, इस करुणा के भाव के साथ मैं हर मनुष्य के साथ संबंध भागीदार रहता हूँ, जी सबके प्रति जिम्मेदार रहता हूँ। तो सत्य का मतलब जब मुझे अस्तित्व दिखाई देता है तो पूरा अस्तित्व जैसा है वैसा मुझे स्पष्ट रहता है, इसको कहा सत्य। तो अपने बारे में भी दिखता है कि मैं हूँ और बना रहता हूँ, मेरा होना किसी अन्य इकाई पर निर्भर नहीं है, शरीर पर भी नहीं है, किसी जड़ वस्तु पे नहीं है, किसी अन्य चैतन्य वस्तु पे नहीं है, मैं हूँ और बना रहूंगा, वैसे ही इकाइयां हैं और बनी रहेंगी। तो हर इकाई का जो धारणा है, धर्म है, अस्तित्व है, वो बना ही हुआ है और बना ही रहेगा। इसके साथ ये भी स्पष्ट होता है कि अस्तित्व हमेशा से था है और रहेगा, रचना विरचनाएं हो रही हैं, रूप गुण परिवर्तन हो रहे हैं, गठन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक, बट अस्तित्व बना हुआ है और बना ही रहेगा जी। इसके साथ मुझे आराम मिलता है अपने आप में, है ना। फिर ये जो अपने अंदर अशांति है, क्लांति है, थकावट है, भगदड़ है, ये सब नहीं रहता। मैं नित्य वर्तमान को देख रहा हूँ, नित्य वर्तमान के साथ में उसी भाव में जी रहा हूँ जी बिल्कुल, और सहस्ती तो नित्य वर्तमान है, इसी नित्य वर्तमानता के भाव के साथ जीता हूँ। तो मेरा विचार सिर्फ एक शरीर यात्रा की सीमा में नहीं है, मेरा विचार सिर्फ एक शरीर की सीमा में नहीं है, मेरा विचार ये जो शरीर से शरीर के संबंध बने हुए हैं उस सीमा में नहीं है, नित्य वर्तमानता के अर्थ में जी बिल्कुल, नित्य वर्तमानता मतलब अभी जो मेरे साथ हो रहा है उस बराबर है, एवर प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट, यस, ओमनी प्रेजेंट भी जिसको बोलते हैं, हर जगह व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट तो कह ही रहे हैं, एवर प्रेजेंट भी कह रहे हैं, तो उसमें ओमनी में तो सिर्फ प्लेस है, आपसे डिस्कस करके हर एक चीज जो है ना बहुत जी भैया, तो ओमनी का मतलब कि हर जगह व्याप्त है, जब एवर एवरीवेयर स्पेस रिलेटेड, हर हर जल में थल में, तो ये जो स्टेप 7 करेंगे ना तो आपको इसके जीने में भी एक शिफ्ट मिलेगा, आपके भाव विचार में शिफ्ट मिलेगा। तो जब हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे थे उससे सेल्फ के बारे में पता लगा तो एक शिफ्ट मिला, वैसे एक फर्दर शिफ्ट मिलता है जब स्पेस के बारे में हम ध्यान देते हैं। तो जहां अपने आप को शरीर मान के जीने का पूरा चित्रण कर रहे थे, उसी को लेकर विचार कर रहे थे, उसी के आधार पर संबंध को पहचान रहे थे, उसी के आधार पर अपने कर्तव्य दायित्व को तय कर रहे थे अपने आप को शरीर मानकर, उससे शिफ्ट मिलता है जब हम सेल्फ के रूप में अपने आप को देखते हैं, एक तो शरीर मेरे साथ है, मैं शरीर नहीं हूँ, साधन है। वैसे एक और मेजर शिफ्ट मिलता है जब मैं शून्य की ओर ध्यान देता हूँ, शून्य दिखता है। तो ये जो सामयिकता है ना, ये जो सीमा है, उस सीमा में जो हमारा देखने सोचने का अभ्यास है उससे मैं निकल पाता हूँ, असीम के अर्थ में देखता हूँ मैं, उसी को परंपरा में कई प्रकार से कई लोगों ने रखा है ना, जब मैं उस असीम के साथ देखता हूँ, पूरे अस्तित्व को देखता हूँ, अपने जीने को देखता हूँ, संबंध को देखता हूँ उस असीम के साथ, तो एक और मेजर शिफ्ट मिलता है। और आप पाएंगे कि इस असीम को देखने के साथ साथ ये जो सीमित चीजें हैं, चाहे काल में चाहे देश में, उनके साथ जो जीने का हमारा अभ्यास है वो बदल जाता है ना, क्योंकि अब मैं हर चीज को उस असीम के साथ जोड़ कर देखता हूँ। बिल्कुल जी भैया, बहुत 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 बढ़िया। एक तो ये बहुत कठिन विषय है जो चल रहा है ना अभी 1-2-3 दिन से, थोड़ा सा सोचने लायक ही है, लेकिन आपसे बहुत अच्छा मिल रहा है, धन्यवाद भैया। भैया मैं ना वैसे डेली ऑब्जर्व तो डेली कर रही हूँ,
बट आज जैसे आपने कहा ना, मैं सब्जी बना रही थी, दलिया बना रही थी, तो मैं एक ही चीज को देख रही थी कि जैसे दलिया का एक एक कण भी मुझे दिख रहा था कि अगर मैं इनको गिन पा रही हूँ, इट मीन्स इनके आसपास स्पेस है। क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, फिर मैंने बड़े पे गई, फिर थोड़ी सी बड़ी चीज, मैंने टमाटर काटे, टमाटर के टुकड़े किए, या टमाटर के अंदर के उसके एक एक बीज को मैं देख रही थी, मतलब मुझे, मैं इस चीज को देख पा रही थी कि जैसे जैसे मैं ही हूँ, मैं खड़ी हूँ, जहां भी खड़ी हूँ किचन में, तो मेरे आसपास हर चीज में मेरी हर उसमें गैप आ रहा है, जिसको मैं काउंट कर पा रही हूँ, इट मीन्स उसके बीच में कुछ है, तभी मैं उसको काउंट कर पा रही हूँ। और ये देख के ना, मतलब कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था कि ऐसा भी हो सकता है जी। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। बट भैया, जैसे मैंने उसमें ना सब्जी बना रही थी, मैंने सब्जी में देख रही थी कि सब्जी की एक एक चीज को मैं देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी ये आपस में ना, वो जैसे डूबे भीगे और घेरे वाली जो चीज है ना, वो मैं देख पा रही थी कि ये कैसे इसके अंदर डूबे हुए हैं और फिर आसपास ये घेरे भी हुए हैं। बट मैं आपसे एक चीज और चाह रही हूँ कि इसमें मुझे थोड़ा सा इस चीज को ना एक बार दोबारा से, मुझे डूबे और घिरे और भीगे हुए का थोड़ा सा जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करना चाह रही हूँ। बाकी मैं देख पा रही हूँ और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इवन मैं दूर तक भी गई, जैसे नदियां है, पहाड़ है, समुद्र है, सबको हम गिन पाते हैं, गिन पा रही है इतनी सिंह के बीच में कुछ है, और ये सब किसी चीज के अंदर है, कुछ और चीज इनसे बड़ी है जिसके अंदर ये सब समाये हुए हैं। और इसका मतलब वो कितना व्यापक है, शून्य कितना व्यापक है। और वो कभी मुझे ऐसा, कभी ऐसे हम जैसे 52 ईयर की मैं हो गई हूँ, कभी ऐसा देखा नहीं कि आज तो हम गिन पा रहे हैं, कल नहीं गिन पाएंगे, आज तो हमें उनके बीच का डिफरेंस दिख रहा है और कल नहीं दिख रहा था, तो इसका मतलब वो हमेशा है ही है, और सब इसी के अंदर है। इसका मतलब सब एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं। जब एक चीज के अंदर कुछ चीज डाल देते हैं हम, मान ले मैंने सब्जी के अंदर अपना दलिया डाला, तो दलिया का एक एक कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे अगर ये शून्य जो है इतना विशाल है और हम सब इसके अंदर है, तो इसका मतलब हम एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं ऐसा समझ पा रही हूँ भैया, क्या मैं सही चल रही हूँ? जी, तो जुड़े हुए तो है ही, है ना। ये अच्छी बात दीदी, हमने ध्यान देना शुरू किया है, ध्यान देंगे तो इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, इसको अपने जीने से जोड़कर देख पाएंगे। तो कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, है ना, बच्चे को तैयार कर रहे हैं, घर की व्यवस्था बना रहे हैं, बाहर जाकर उत्पादन कर रहे हैं, लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, अपने शरीर का रखरखाव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये होश बना रहेगा कि जो कुछ भी है शून्य में है, और शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, तभी है ना मैं इसके साथ निर्वाह भी कर पा रहा हूँ, परस्परता को पहचान रहा हूँ, निर्वाह कर रहा हूँ। तो ये बात अपने आप में दिखती है, ये बना हुआ है, देखिए शरीर बना हुआ है, मैं बना हुआ हूँ, आसपास की प्रकृति बनी हुई है और इतने सुव्यवस्थित ढंग से बनी हुई है, ये किस प्रकार है शून्य में संपृक्त बने रहते हुए। तो इसको हम एक एक क्रिया में, एक एक गाय के साथ, एक एक घटना में देख पाते हैं कि किस प्रकार है ये। भैया थोड़ा सा तो प्रश्न उत्तरित हो गया, लेकिन मैं थोड़ी और क्लैरिटी चाहता था कि हम असीमित को ऑब्जर्व करते हैं और सीमित इकाइयों को भी ऑब्जर्व करते हैं, यूनिट्स जो है स्पेस में सबमर्ज, तो इनका जो रिलेशनशिप है, जो आपने थोड़ी देर पहले रेफर किया था एक क्वेश्चन के आंसर में, कि हम इनको देखते हैं तो इनका रिलेशनशिप को भी देखते हैं, तो वो कई मायनों में या कई डायमेंशंस में दिखता है, कुछ डूबा भीगा घिरा में, कुछ दीदी ने जैसे शेयर किया अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में, थोड़ा सा आप इसको और स्पष्ट कर देंगे कि आपका क्या आशय था या इसको हम कैसे ठीक से समझे। एक डायमेंशन और है कि सहस्तित्व में, मतलब ये दोनों साथ साथ है, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम हमें फायदेमंद हो सकता है या किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सीमित और असीमित, सीमित का रिलेशनशिप। तो देखिए, अभी डूबा भीगा घिरा को रहने देते हैं, है ना, अभी तो हम वो एक शब्दावली है जिससे हम इस बात को रख पाते हैं। मुख्य मुद्दा तो ये है कि किस प्रकार इकाइयां ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचान रही, निर्वाह कर रही है। तो इसको हम स्वयं से देखना शुरू करें, स्वयं को देखें, शरीर को देखें, है ना, फिर अन्य इकाइयों को भी देख पाएंगे। तो अपने आप को देखें, मैं क्रियाशील हूं कि नहीं, हो ही ठीक, मैं नियंत्रित हूं कि नहीं, तो हम कब आराम में होते हैं, कब परेशान होते हैं। जैसे हमारे अंदर कुछ अन्यथा भाव आता है, सहस्तित्व से हटके कोई भाव विचार आता है, हम परेशान होते हैं,
सहस्तित्व का भाव विचार आता है, आराम पाते हैं। सहस्तित्व स्पष्ट नहीं होता फिर परेशान होते हैं, सहस्तित्व स्पष्ट होता है फिर आराम पाते हैं। ये कैसे है? उसी क्षण हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं नियंत्रित हूँ। मैं सहस्तित्व से अन्यथा कुछ भी जीने का प्रयास करता हूँ, मैं दुखी परेशान होता हूँ, उससे फिर मैं बाहर निकलने का प्रयास करता हूँ। सहस्तित्व के भाव में होता हूँ, मैं आराम पाता हूँ। और मेरी परस्परता बनी हुई है, मैं शरीर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ हूँ। और फैला के देखेंगे तो उसको हम विश्लेषण पूर्वक भी कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रकृति के हर इकाई से जुड़ा हुआ हूँ। ये जुड़ने वाला भाव मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा भैया, मतलब वो मैं शायद तर्क के लेवल पे लगा रहा हूँ या एनालिसिस करके देख रहा हूँ, लेकिन ये जो हर इकाई दूसरे से जुड़ी है जस्ट बाय द मैटर ऑफ फैक्ट कि ये सब में सबमर्ज्ड है, वो वाला जुड़ने वाला नहीं मेरे को क्लियर हो पा रहा है थोड़ा। मे बी अभी नहीं तो और क्वेश्चन ले लीजिए, फिर बाद में इसको। नहीं कोई बात नहीं, इसको स्पष्ट कर दो। विश्लेषण पूर्वक हम देख सकते हैं इसको, विश्लेषण पूर्वक भी देख सकते हैं। विश्लेषण से शुरू करें हम, जैसे आप जहाँ बने हुए शरीर के साथ जुड़े हुए कि नहीं? हाँ करेक्ट है ना। शरीर में हवा का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है भैया। तो शरीर हवा के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर धरती पे खड़ा है, धरती के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर का जो पोषण हो रहा है उसमें बाहर का वातावरण का भागीदारी है कि नहीं? जो भोजन लिया वो कहाँ से आया? तो इसी वातावरण से आया है। भोजन के एक कण को देखें तो दूसरे कणों से जुड़ा हुआ है। किसी ने कहीं खेती की, सब्जी उगाई, कोई सब्जी को तोड़ा, कोई सब्जी को लेकर लाया, किसी ने आपके लिए पकाया है ना, आपने लिया, तो इन सबसे आपका जुड़ाव तो है ही है। अब अगर हवा पानी मिट्टी को भी देखें तो कहीं पे चक्रवात आया, उससे हवा का दूसरा कण प्रभावित हुआ, उससे अगला कण प्रभावित हुआ। धरती के एक कोने पे चक्रवात आता है और धीरे धीरे धरती के हर कोने तक उसका प्रभाव पहुंचता ही है, किसी मात्रा में, कम ज्यादा जैसे भी हो पहुंचता ही है। तो धरती का हर कण है दूसरे कण से जुड़ा हुआ है। मेरा शरीर धरती से जुड़ा हुआ है तो मैं धरती के हर कण से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हवा के हर कण से जुड़ा हुआ हूँ। यानी फिजिकली जो आंखों से दिखने वाला कनेक्शन नहीं है ये, मतलब जैसे चिपक जाती है कोई चीज या जुड़ जाती है इसमें, क्योंकि सटल लेवल ऑफ ट्रांसफरेंस भी हो रहा है। जैसे आप कह रहे हो कि कोई कण से दूसरे में जाता है या वहां से उसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है, तो मतलब इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। क्या मैं जा रहा हूं? जी, तो प्रभाव को हम कहां तक देख पा रहे हैं वो एक मुद्दा है, बट इकाई का एक सब परस्परता में तो है ही ना। तो मैं धरती से जुड़ा हुआ हूँ, धरती का हर कण हर दूसरे कण से जुड़ा हुआ है, तो मैं पूरी धरती से जुड़ा हुआ हूँ। फिर धरती पे जो कुछ भी खड़ा है, पेड़ पौधे, बिल्डिंग, ये सब धरती से जुड़े हुए हैं, मैं इन सबसे जुड़ा हुआ हूँ, तो जुड़ाव तो बना ही हुआ है। ये जो शून्य है ये इसमें साम्य ऊर्जा है, मतलब हर तरफ एक जैसी ऊर्जा है जी। और मेरे को ये समझना है कि जो ये साम्य ऊर्जा शून्य में है ये कैसे हर एक इकाई, चाहे वो मानव हो चाहे कोई पदार्थ हो, उसके लिए हेल्पफुल है। देखिए पहली बात तो शून्य में साम्य ऊर्जा है ऐसा कहना ठीक नहीं है, शून्य ही साम्य ऊर्जा है। शून्य ही साम्य ऊर्जा है तो मतलब शून्य में ऊर्जा एक जैसी है, ऐसा है? हाँ, एक जैसी बनी रहती है, शून्य एक जैसा बना रहता है, ऊर्जा एक जैसी बनी रहती है। अभी दिखाइए किसी ऊर्जा का है ना घटना बढ़ना तो तभी हो रहा है ना जब वो ऊर्जा बनी हुई है। तो ये होना जो है बने रहना है ना, इस बात को देख पाने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के संबंध आपका अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, संबंध तो बना हुआ है कि नहीं? अच्छा, हाँ भैया जी। आप बिल्डिंग में रहे ना रहे, बिल्डिंग तो बना हुआ है, आप बने हुए हैं, तो जो भी बना हुआ है उसमें ऊर्जा है, तो उसके आधार में सामने ऊर्जा है। तो ये बना हुआ रहना इस बात को हम नहीं देख पाते, हम अभी उतार चढ़ाव को देखते हैं।
बट बना हुआ इसको नहीं देख पाते हैं, इकाई बनी हुई है, और बनी हुई है क्रियाशील है, ठीक, तो उस क्रियाशीलता के आधार में क्या है? नहीं, उसके आधार में ये जो शून्य की ऊर्जा है ऐसा कुछ बोले, या शून्य अलग है ऊर्जा अलग है? शून्य साम्य ऊर्जा है, इसलिए मैंने कहा शून्य में ना कहें, नहीं तो लगता है कि अलग है। शून्य साम्य ऊर्जा है, तो क्रिया शून्य है। अब हमारे लिए ऊर्जा की कल्पना जब भी होती है क्रिया के अर्थ में होती है, जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, इसलिए डाउट हो रहा है इसमें। हाँ, तो ये सब जितने भी सापेक्ष ऊर्जा है, ये सब बढ़ने घटने वाली ऊर्जा है। धरती से ऊपर उठा लिया बॉल को तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, नीचे रख दिया पोटेंशियल एनर्जी घट गया, धक्का दे दिया काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, रोक दिया काइनेटिक एनर्जी घट गया। तो अब ये सब बढ़ने घटने को देखने का अभ्यास है, तो हमारा अभ्यास ही सापेक्षता में देखने का है, एक इकाई की दूसरी इकाई में सापेक्षता में देखने का है ना। तो हमारा अभ्यास सापेक्षता को देखने का है, अभ्यास बढ़ने घटने को देखने का है, अभ्यास क्रिया को देखने का है, इसलिए क्रिया शून्य पे ध्यान देना भारी पड़ता है। पहले तो हमारा सिर्फ ध्यान जड़ को देखने का था, जड़ क्रिया, जड़ ऊर्जा है ना, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी सब जड़ ऊर्जा है कि नहीं, इकाइयां इस प्रकार से साधन कर रहे हैं सब जड़ है, तो पहले हमारा ध्यान सिर्फ जड़ को देखने का था। अब थोड़ा सा शिफ्टिंग मिला, अब हमने चैतन्य को देखा, चैतन्य मुझ में भी ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जा है जिसमें ना कोई काइनेटिक ना पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, बट ऊर्जा मुझ में है ये पता लगता है, जिसको हम करंट फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे बट यहाँ हम देख पा रहे हैं। अब हमको दिखेगा कि शून्य भी ऊर्जा है, तो जड़ से चैतन्य ऊर्जा भिन्न है, और शून्य जो है वो साम्य ऊर्जा है, इन दोनों चैतन्य और जड़ ऊर्जा के आधार में है। जिस आधार पे मैं ऊर्जित बना रहता हूँ, जिस आधार पे मेरा शरीर ऊर्जित बना रहता है, जिस आधार प्रकृति की हर इकाई ऊर्जित बनी रहती है, जी जी, उसको देखने की बात कह रहे हैं। अच्छा भैया जी, आपने ना अभी समझाया संबंध, जैसे चाहे मेरा संबंध किसी भी मानव से विरोध में हो या संबंधी के रूप में हो, तो ये जो संबंध का जो शब्द है, क्या यही शून्य है या यही एक ऊर्जा है, मतलब जो ये शून्य में है ऐसा कुछ है क्या? अब इसको आप खुद रिस्पॉन्ड करिए, तो संबंध शून्य कैसे हो जाएगा? शून्य में बने रहते हुए मैं दूसरी इकाइयों से जुड़ा हुआ हूँ, वही संबंध के रूप में दिखाई देता है। इसको आप और थोड़ा भैया उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, क्योंकि इसको समझना ना भैया थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही है समझने में। सापेक्ष का मतलब पूछा, सापेक्ष का मतलब रिलेटिव, तो सापेक्ष मीन्स रिलेटिव। हेलो, नमस्ते। मैं जैसे मैं गैलरी में खड़ा तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियां आ रही है जा रही है, उसके अंदर तो स्पेस दिखाई दे रहा है जी। हाँ, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि रोड पे हूँ, बहुत सारी गाड़ियां आ रही है जा रही है, उनके बीच में डिस्टेंस बना हुआ है, तो वो एक शून्य दिखाई दे रहा है, पेड़ दिख रहा है, उसके आजू बाजू शून्य दिखाई दे रहा है, मैं हूँ और मेरे शरीर में स्पेस दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीजों के माध्यम से। तो उसमें एक मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो सोलार एनर्जी है, सोलार एनर्जी जी मिलती है हमको, उसमें शून्य का क्या रोल है सर? जो सन है वो भी शून्य बना हुआ है जी, जिसको हम सोलर एनर्जी कह रहे हैं वो भी शून्य बना हुआ है। तो हम सूर्य की रोशनी को या उसके किरणों को ही शून्य मान के चलते हो, तो नहीं, नहीं, जो नहीं, सोलार नहीं, एनर्जी है तो दोनों में रुक जाते हैं नहीं तो फिर सब ओके ओके ओके। तो सोलर एनर्जी शून्य नहीं है, शून्य तो हर जगह व्याप्त है जी, तो सूर्य की किरणें तो हर जगह व्याप्त है, ऐसा कहा है? सूर्य की सूर्य किरणें हर जगह व्याप्त है, रात में कहा है सूर्य की सूर्य की किरणें? लाइट में अपने को नहीं दिखता, लेकिन दूसरे कंट्री में दिखता है सूर्य की किरणें, जैसे तो अपने यहाँ अंधेरा हुआ दूसरी तरफ उजाला रहता है, तो हर जगह व्याप्त नहीं हुआ ना फिर तो? नहीं नहीं, ओके ओके, ये चीज समझ में आ रही है जी। बिल्डिंग खड़ी है, उसके एक फेस पे सूरज की किरण पड़ रही है, दूसरे फेस पे नहीं है, नहीं हो रही है, तो सूरज की किरणें हर जगह ऐसा नहीं है। ओके, धरती के गर्भ में जाए तो सूरज की किरणें कहाँ है? नहीं है, नहीं है, नहीं। तो परस्परता में प्रभाव की बात है, सूरज का प्रभाव जो उसके सामने है उस पर पड़ रहा है, पीछे वाले पे नहीं पड़ रहा जी।
तो उसको तो हम इकाई के रूप में और इकाई की परस्परता के रूप में ही देखेंगे। शून्य तो हर जगह व्याप्त है, धरती के गर्भ में भी है, धरती के सतह पे भी है, धरती से बाहर भी है ना, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है। अच्छा, एक और चीज दिमाग में आ रहा है मुझे कि जैसे पांच भौतिकता बोलते हैं, पांच भौतिकता में पृथ्वी, आग, तेज, वायु, आकाश, ये पांच चीजें आ गई, तो ये पांच चीजें जो है इसको हम शून्य मान के चल सकते हैं क्या? पांचों को क्यों मान रहे हैं भाई? शून्य को जैसा वैसा देखिए ना, क्यों हम मानने के लिए बात? ओके ओके, कुछ माने ओके, ओके। जी हाँ, शून्य को शून्य ही मान के चले। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, इतना जरूर वहां आकाश कहा गया है, भूमि, जल, पावक, गगन, समीरा, तो जिसको आकाश कह रहे हैं उसका अर्थ अगर ठीक ढंग से देखें तो शून्य है जी। आकाश का अर्थ ही शून्य है, जो आकाश बताया। हाँ, बट वो आकाश धरती के बाहर नहीं है, वो हर जगह है। तो अगर उस रूप में देख रहे हैं आकाश को तब तो शून्य है, उस रूप में नहीं देख रहे तो फिर भिन्न है। अभी हम आकाश को धरती से बाहर कहते हैं, ये धरती और आकाश, तो धरती से बाहर को आकाश कहते हैं। बट यदि आकाश को शून्य के समतुल्य रखा जाए तो धरती के बाहर नहीं है, धरती के भीतर भी है जी। मतलब आकाश जो है जिसको हम स्पेस बोल रहे हैं, सर्वभौम है वो जी। जी, क्लियर हुआ भैया जी? हाँ, सर्वव्यापी है, सर्वभौम है वो, हर जगह उपस्थित है वो। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। बढ़िया भैया, कुछ और भी प्रश्न है, बट अब समय हो चला है, आज यहाँ रोकते हैं, कल फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। इसको हम अभी ध्यान देना शुरू करें, और जितने भी तरह के प्रश्न आ रहे हैं सारे रेलिवेंट प्रश्न है, वैल्यूएबल प्रश्न है। इन प्रश्नों का धीरे धीरे समाधानित होने से ही हमारा ध्यान जाता है, ये तो हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं।